नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सिक्योर अकेडमी के यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं दिलीप। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करेंगे कि हमारे जो केबीएस के इंटरव्यू होने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, जिसका फीडबैक हमें मिल जाएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ओके। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमें जो हमारा केबीएस का इंटरव्यू होने वाला है हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, और क्या कितने नंबर वाले तैयारी करें या ना करें। जैसा कि अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो तैयारी करने वाले, अगर आपका मार्क्स जो है, आपका नंबर जो 180 में से आउट ऑफ 180 आपको 100 या 100 प्लस जा रहा है, तो आप इसकी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो केबीएस है वो 6 टाइम एक्स्ट्रा बुलाता है इंटरव्यू के लिए, अगर 6000 वैकेंसी है तो 24000 लोग को बुलाएगा वैकेंसी इंटरव्यू के लिए, ओके। तो ऑल द पॉइंट्स वी हैव टू क्लियर हेयर, तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस द थिंग दैट वी हैव रिटन ओवर हेयर, ओके। तो इन सारी चीज़ों पर हम पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमें जो चीज़ें थिंग्स नीड टू इन केबीएस इंटरव्यू, वो चीज़ें हमें जो जरूरत पड़ने वाली। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज की। जो वेटेज की बात करते हैं, वेटेज आपका 70:30, यानी कि 70 और 30 का रेशियो होने वाला है। 70 आपका एकेडमिक हो जाएगा, एकेडमिक मतलब ई एकेडमिक नहीं, मतलब आप जो एग्ज़ाम रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा, रिटन एग्ज़ाम का। और 30% आपका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, जिसमें से दो भाग में बांट दिया गया। 15% आपका इसमें से हो जाएगा, 15% आपका डीमो टीचिंग से हो जाएगा। ये सारी चीज़ों में सबसे पहले हम रिज्यूम की बात करते हैं। आपको इनमें सबसे ज़्यादा पहले रिज्यूम बनाना पड़ेगा, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, फिर आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर हाउ टू ड्रेस अप एंड स्किल रोल ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज़ें जरूरत पड़ने वाली। रिज्यूम की बात करें, सबसे पहले आप एक रिज्यूम बना लीजिएगा। रिज्यूम में जैसे आपको मेंशन होना चाहिए कि आप कितनी पढ़ाई किए हैं, ठीक, आपके घर में कौन सा है, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको रिज्यूम एक अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसा आप अदर प्राइवेट जॉब के लिए लेके जाते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपको नींद आ रही है, किस तरह से फीलिंग हो रही है, एकदम मस्त ड्रेस पहन के मस्त रेडी रहना जाने के लिए, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। रिज्यूम में आप 4 से 10 लाइन याद कर सकते हैं। अगर डेली आप एक लाइन अगर इंग्लिश का याद करेंगे तो इंटरव्यू तक आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे, ओके। ये एक मूल मंत्र होगा आपके लिए, अगर डेली एक लाइन आप इंग्लिश का तैयार कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू तक बढ़िया से आप प्रिपेयर कर लेंगे। आपको अपने सपोज आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आप रिज्यूम के माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सीधे सीधे आप बात करें, आप कह सकते हैं, आप इस तरह से दे सकते हैं, जैसे मेरा नाम राजू है, अगर कह रहे हैं तो आई एम राजू फ्रॉम यूपी एट अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट, एंड आई एम बेसिकली बीए क्वालिफाइड, आई बीएड क्वालिफाइड, एंड देर आर 5 मेम्बर इन एज फॉर आई माई फैमिली बैकग्राउंड, देर आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई ब्रदर एंड आई, ओके। एंड माई हॉबी इज रीडिंग बुक एंड लिसनिंग म्यूजिक, वट एवर यू वॉन्ट या वट एवर यू लाइक। तो इस तरह से आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर बात करते हैं हाउ टू ड्रेसअप। ड्रेसअप क्या होना चाहिए, आप बहुत कलरफुल नहीं होना चाहिए, जींस मत पहन के जाना, टी शर्ट पहन के मत जाना, ऑफ नॉर्मली एक सिंपल ड्रेस पहन के जाना, एक वाइट शर्ट और एक फॉर्मल सूज होना चाहिए और एक पैंट होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। फिर इसके बाद बात करते हैं आपकी स्किल्स होनी चाहिए, जो स्किल्स आपने अचीव की है अभी तक ले पढ़ लिख के वो सारी होनी चाहिए, और रोल ऑफ नॉलेज की आप कैसा अगर रोल आप प्ले कर रहे हैं बच्चों के सामने, ठीक, 15 नंबर में हो गया। फिर 15 नंबर में डेमो हो जाएगा, डेमो टीचिंग, आपसे कहा जाएगा कि आप क्या पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे या ईवीएस पढ़ाएंगे, व्हाट एवर इज देयर वो देंगे पढ़ाने के लिए। तो डेमो टीचिंग में पहले देखना कि व्हाट टू टीच, हमें पढ़ाना क्या है, एंड हाउ टू टीच, हमें पढ़ाना कैसे है उन बच्चों के लिए। तो 15 नंबर आपको पढ़ा के दे दिया जाएगा, कोई चैप्टर दे देंगे उसको आपको पढ़ाना रहेगा, ओके, और 15 नंबर इसमें से। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी इसलिए वो डिटेल में नहीं बना रहे हैं, आप अगर इसकी आवश्यकता होगी तो हमें मैसेज कर दीजिएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर एक वीडियो और लेके आ जाएंगे पूरी क्लियरली, जो आपको आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,